इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ईडी ने पूछताछ के दौरान के कविता का फोन मंगाया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ चल रही है और ईडी ने पूछताछ के दौरान कविता का फोन मंगाया है क्योंकि के कविता अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई थी। के कविता की सिक्योरिटी घर से फोन लेकर आई है और के कविता ने तकरीबन 10 फोन बदले। ईडी के सोर्सेस के हवाले से यह खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये क्योंकि मनीष सिसोदिया से भी जब पूछताछ हुई थी तब भी ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने भी कई फोन बदले। इससे पहले भी जो आरोपी रहे हैं उनसे जो पूछताछ हुई उनमें भी पता चला कि कई फोन बदले और के कविता से जुड़ी हुई खबर यह है कि उन्होंने भी तकरीबन 10 फोन बदले हैं। Zee News।